हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सास बहू सिंधी तड़का का चैनल। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। सो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं सूजी का कुछ नया अलग चटपटा नाश्ता, अलग नई शेप में। तो तैयार हैं आप? तो देखें फुल वीडियो। चलो, तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं मम्मा हमने? हमने सूजी ली है, दही ठीक लिए है, और बॉयल करे हुए आलू लिए, ठीक है, और ये नमक लिया है, ये हल्दी, ये मिर्च, ये चिली फ्लेक्स, ये गरम मसाला, और ये राई लिए, और ये शिमला मिर्च, मटर, हरी मिर्च, टमाटर और धनिया एंड चाट मसाला। हाँ, इसका तो बैटर बनाएंगे हम अभी, ठीक है, सूजी का फिर इसका मसाला बनाएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने 2 चम्मच भर के ये टेबलस्पून दही ले लिया है, 2 से 2.5 चम्मच। अब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। तो सॉल्ट फ्रेंड्स हम अपने स्वाद अनुसार ऐड कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप सही से डालें, क्योंकि आलू की स्टफिंग में भी डालेंगे। तो अच्छे से इसे हम अब मिक्स करेंगे। तो धीरे धीरे हम इसके अंदर पानी ऐड करके मिक्स करेंगे, धीरे धीरे पानी ऐड करें ताकि लम्स ना पड़े और एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। बहुत ज़्यादा इडली का बनाते हैं ना, जैसे इडली का बैटर बनाते हैं वैसे सेम वैसे ही बनेगा। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी। अब बना के इसको 10 मिनट रेस्ट कर लेंगे, रख देंगे। ठीक है, बैटर बन के तैयार है, अब हम इसको 10 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। हमारा सूजी का बैटर रेस्ट कर रहा है 10 मिनट्स के लिए, हम अपनी आलू की स्टफिंग रेडी करेंगे। सो हमने यहाँ पे लिए हैं 6 से 7 बॉइल्ड आलू, उसको अच्छे से हमने मैश कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भी मैश करके छितना नहीं है, और बहुत ज़्यादा भी बड़े बड़े पीसेस नहीं रखने, नॉर्मल रखना है। अपने कढ़ाई रखेंगे, उसके अंदर हमने ऑयल पोर कर दिया है, हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले राई, और राई का चटकने का वेट करेंगे। ऑयल के चटकने की आवाज़ आ रही है। सबसे पहले हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च, जो हमने बहुत छोटी छोटी कट करी है। उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं मटर, मटर को हमने थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, सफल मटर है ये। फिर हम ऐड कर रहे हैं इसमें टमाटर, बीज जिसके हमने निकाल लिए हैं, बहुत छोटा छोटा डालना है। अब इसको हम सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करेंगे राई के तड़के में, सोटे करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है फ्रेंड्स, सिर्फ सोटे करना है। स्वाद अनुसार इसमें हम ऐड कर रहे हैं सॉल्ट, तो सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग डालें, बिकॉज हमने जो हमारी सूजी का बैटर है उसमें भी ऐड करा है। अच्छे से इसको सॉल्ट के साथ मिक्स कर लेंगे। फिर हम ऐड कर रहे हैं चाट मसाला, और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चुटकी भर हल्दी कलर के लिए। फिर हम ऐड करेंगे लाल मिर्च 1 चम्मच, और उसको भी हम मिक्स कर लेंगे अपनी सब्जी के साथ। और अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर चिली फ्लेक्स खूब सारा, ताकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है फ्रेंड। और अब हम डालेंगे अपने मैश करे हुए बॉइल्ड आलू, जो हमने ऑलरेडी मैश कर लिए थे, पूरे सारे डाल देंगे वो, और अच्छे से अपने मसाले के साथ हम इसे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सूजी ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। इसको थोड़ी कंसिस्टेंसी हम ठीक करेंगे पानी डाल के। या हमारा आलू का बैटर एकदम ठंडा हो गया है, तो हमने इसको ठंडा करने रख दिया था यहाँ पे, हमारा बैटर जब तक रेस्ट कर रहा था। अब हम बनाएंगे अपना नाश्ता मज़ेदार वाला। यहाँ हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है ग्रीस करने के लिए, अभी पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे क्या करना है, जब तक ये थोड़ा सा बैटर हम इसको ठीक कर दें। जब हमें हाथों में ऑयल लगाते जाना है और इसको शेप देते जाना है, और कैसी शेप देना है ये देखो, जैसे हम ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं वैसी वाली शेप है, देखो देखो कैसे, ऐसे हमें सारे अपने आलू के स्टफिंग की शेप बना लेनी है। और यहाँ हमारा बैटर है, उसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो गई है। सो सारी शेप्स ऐसे हम रेडी कर लेंगे फटाफट, इसको लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल। सो फ्रेंड्स, जो आज हम नाश्ता बना रहे हैं वो बना रहे हैं ग्लासेस में, आप देखिए कितना ज़बरदस्त बनता है सारे ग्लासेस। सो मेक श्योर आप जो ग्लासेस लेना वो एक ही साइज़ के हों, तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा। तो ये हमने सारे ऑयल ग्लासेस में ऑयल ग्रीस कर लिया है, और ये एक और ग्लास, और इसमें भी हम ऐसे ही सेम ग्रीस कर लेंगे ऑयल। तो हम 3 ग्लासेस में पहले बना रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है, इसमें डालेंगे हम थोड़ा इनो। अब हम डालेंगे अपने बैटर में इनो, एक पैकेट इनो हमने डाला है फ्रेंड्स, और इसको अब एक्टिवेट हो जाए थोड़ा सा मिक्स कर देंगे हम इडली। तो जो हमने सूजी का बैटर बनाया है वो हम पोर करेंगे, हमने डाला है 2 चम्मच और 3 चम्मच, दैट्स इट। हम सीधा सीधा ही रखते हैं, सीधी सीधी हम अपनी आलू की टिक्की खड़ी कर देंगे ऐसे। आप देख सकते हैं उसको थोड़ा अंदर प्रेस कर दें ताकि वो अंदर डूब जाए, और फिर से हम इसको इडली, जो सॉरी इडली बार बार आ रही है,
जो हमारा जो सूजी का बैटर है उससे कवर कर देंगे, देख सकते हैं आप। इतना हम छोड़ेंगे कि ऊपर से फिर वो होगा ना, फूलेगा खुद ही, क्योंकि इनो वगैरह भी डाला बेक होगा तो वो उसकी जगह छोड़ेंगे। सेट कर दें आप। और ये गरम गरम हमने पानी डाल दिया है, पानी बॉइल हो रहा है नीचे, और सेम हम इसको अब स्टीम होने देंगे। सेम प्रोसेस है अगेन, 2 से 3 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे अपना सूजी का बैटर, फिर हम डालेंगे अपनी आलू की टिक्की, और ऊपर से फिर से हम डालेंगे अपना बैटर। ये देखो यहाँ पे रख दिया है, फिर से हम डालेंगे सूजी का बैटर उसको अच्छे से। हमारी आलू की टिक्की फ्रेंड दिखनी नहीं चाहिए, पूरी कवर कर देंगे हमें, देख सकते हैं आप, और उसको सेट होने देंगे। अब उसको भी सेम हम स्टीम के लिए रख देंगे। तो सारी क्लासेस हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। जिसको 15 मिनट हो गए, ये स्टीम हो गया होगा। अब हम इसको चेक करेंगे और बाहर निकाल लेंगे अपने ग्लासेस को। ये वहाँ देखिए बन चुका है, देखिए सब क्लीन बन चुका है। ये देखिए बिल्कुल क्लीन निकला है, मतलब ये इसको बाहर निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा करेंगे, क्योंकि अभी ये गर्म है, ठंडा होगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट निकलेगा शेप। हमने अब निकाल लिया है बेक करके, और ये हो गया है ठंडा। इसको 2 मिनट ठंडा करने रख दिया था, ऐसे हम निकाल, इसको थोड़ा सा मारेंगे पीछे से और ये पूरा ग्लास निकल के एकदम वाह। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना ही अच्छा लग रहा है, अंदर तक पक गया है सूजी, देख रहे हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। दूसरा भी हमने ऐसे ही निकाल लिए थे, दूसरा भी आप देख सकते हैं, दोनों ऐसे निकाल लिए। देखिए ये अब इनको कढ़ाई में, अब इसको थोड़ा सा हमें इसको थोड़ा सा फ्राई करना है मसाले में। ये हमने पैन ले लिया है, जैसा पैन में अब हम अपनी राई डाल देंगे। राई आप देख सकते हैं चटक रही है। इसमें हम डालेंगे मसाला, सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, ताकि ये जो वाइट वाइट है इन सब में कलर आ जाए। हल्दी लाल मिर्च मिक्स करेंगे, राई हमारी चटक रही है, ऑयल गर्म होना चाहिए फ्रेंड्स। अब इसमें डालेंगे अपने ग्लासेस वाले सूजी के, ये इसको हम गैस को अब आप बंद कर दें और चारों तरफ से इसको कलर दे दें फ्रेंड्स, टर्न कर करके। ठीक है, ऐसे हम दूसरा वाला भी कर लेंगे। देख सकते हैं अच्छे से कलर हो गया है। उलट पुलट करके हरा धनिया गार्निश करेंगे और गरम गरम इसको सर्व करेंगे, अपने प्लेट में निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया, वाह। सूजी अच्छे से पकी हुई है, अंदर आलू अच्छे से पका हुआ है बिल्कुल, और ये हम जितना भी मसाला है इसके ऊपर डाल देंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं अब इसको हम काट रहे हैं, अंदर से हम देखते हैं कैसा लग रहा है। ये देखो आप क्या लग रहा है, अंदर की स्टफिंग सूजी सब कुछ एकदम अच्छे से पक गया है फ्रेंड्स। सारे पीसेस हम ऐसे ही कट कर लेंगे। इन सूजी का चटपटा नाश्ता आलू की स्टफिंग के साथ एकदम रेडी। आप देख सकते हैं ये शेप हमने गोल गोल कट कर ली है, वाह कितना फ्लफी, कितना फूला हुआ है आप देख सकते हैं। ये देखें कितना अच्छे से स्टीम हुआ है, अमेजिंग। देखो अंदर आलू की स्टफिंग है, मतलब बता नहीं सकती मैं, इतना मज़ेदार है फ्रेंड्स। बीच में आलू की स्टफिंग आ रही है, आपने देखा कितना सिंपल है, बस आलू की स्टफिंग बनानी है, सूजी का बैटर बनाना है और उसको भर के फिलिंग करके स्टीम करने रख देना है। स्टीम आपको करना है एटलीस्ट 15 से 20 मिनट। तो बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी नाश्ता आपके सामने रेडी है। शाम को स्नैक्स में बनाएं, सुबह ब्रेकफास्ट में बनाएं, और चाय के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, हरी वाली केचप के साथ, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू सिंधी तड़का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल।